गिरेगा नहीं। पैसा लग गया है कल इसी के दुकान लगेगा और किसी दुकान ठीक है इसके ज्यादा नुकसान हुआ तो ऊपर में आग पूरा लगा हुआ है उनके किनारे माल में सब में लगा हुआ है। पीछे गेट खाली धुआं नहीं कर रहा था तो हम लोग वही गैस होगा लेकिन बाद में देख रहे कि धुआं इतना बढ़ते अरे धुआं जहाँ जगह मिल रहा है वहाँ से निकल रहा है धुआं पता नहीं वो लोग जाने अरे गैस होगा दीवार पे गैस नहीं है धुआं जहाँ जगह मिलेगा नहीं होगा गैस होगा बताइए क्या सूचना मिली थी क्या है। हम लोग जैसे फोन से पता चला कि मैंगो बाजार में आग लगा है हम लोग तुरंत आए पुलिस भी पहुंच चुकी और फायर ब्रिगेड भी पहुंचा और आग पर काबू पाया गया। कितने दुकानों में आग लगी है। दो दुकान में आग लगी है। क्या लगता है प्रथम दृष्टया कैसे लगी होगी आग। ये हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी। क्या क्या चीज की दुकानें थी। मनिहारी दुकान और सोनार दुकान। क्या बड़ा हादसा होने से टल गया क्या। बड़ा हादसा तो बहुत टल गया थोड़ा सा लेट होने से पूरा बाजार पकड़ लेता है। तो अपना पूरा नाम और पद बता दिए। मेरा नाम सत्यदेव है हम मानव बाजार के सचिव हैं। क्या सूचना मिली थी कितने बजे की घटना है। स्थानीय लोगों के द्वारा सूचना दिया गया था कि मानव
बाजार में शांतिपुर में दुकान में आग लगी है। ये लगभग 4 बजे हमको सूचना प्राप्त हुई। हम मेरे द्वारा तुरंत दमकल गाड़ी उठा रही रेड को खबर की लगे दमकल तुरंत मौके पर आई गाँव का ऊपर। कितने का नुकसान हुआ होगा लगभग अंजाद का आकलन किया जा रहा है। आग लगने का कारण क्या है प्रथम दृष्टा? अभी वो तो जानकारी नहीं है, जांच चल रहा है। कैसे क्या हुआ? हमारे बिल्डिंग के बगल में लक्ष्मी दीदी हैं, उन्होंने ही खबर किया था मेरे मकान मालिक को। मेरे मकान मालिक हमको खबर किए, हम आए तो देखे कि प्रशासन के गाड़ी पहुंचे हुए हैं, उनको सूचना दे दी गई है और हम लोग अपने स्तर से जितना कर सकते थे और अड़ोस पड़ोस के लोग जितना कर सकते थे, पानी की व्यवस्था एक एक बाल्टी से जितनी हो सकती थी हम लोग अपना बाल्टी पर डाले पानी डाल करके हम लोग आगे आग को बढ़ने से रोक पाए। अगर आलोक जी का दुकान पूरी तरह से जल गया था, दोनों सड़क लाल था, फायर ब्रिगेड आने के बाद आग पर नियंत्रण पाया गया। कुल कितने दुकानें में आग लगी है? दुकान में तो आग लगी है केवल दो दुकान में, तीन दुकान में है, मगर जो सामान का नुकसान हुआ है वो हुआ है मोटा मोटी सात दुकान में। ये सात दुकान पूरी तरह से काला हो गया है, मगर जो उसमें राशन का भी सामान है वो है कुल 13 दुकान। कुल कितनी गाड़ियां दमकल की गाड़ियां पहुंची थे? दो दमकल दो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ विजय चंद्र झा, ओम एजेंसी। सभी नागरिकों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अगले वर्ष जैसा लॉकडाउन लगा था और कोरोना चेन को ख़त्म करने में मदद किए थे, उसी प्रकार चूँकि ये संक्रमण बीमारी है कोरोना, एक दूसरे लोगों से फैलने की संभावना रहती है, वैसी स्थिति में मेरा यह अपील होगा कि सभी लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें और ये स्वास्थ्य सप्ताह जो मनाने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है उसमें पूर्ण सहयोग करें और स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जब टूटती है आग, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।